हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। मैं नई नई रेसिपीज बनाता हूँ, तो आज की रेसिपी भी एकदम नई वाली और अच्छी रेसिपी है। तो मेरे दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं एकदम शानदार और बेहतरीन रेसिपी है। ये है हांडी पुलाव। हांडी पुलाव भी बोलते हैं, हांडी बिरयानी भी कहते हैं, और ऊपर से इसमें कोयले का स्मोकी फ्लेवर भी है, धुंगार। तो बनाते हैं जल्दी से इसे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको 1.5 कटोरी पुलाव बासमती चावल लेने हैं, जो बिरयानी में और पुलाव में यूज़ होते हैं, और उन्हें पानी से अच्छे से धो लेना है। 1.5 कटोरी, 1 कटोरी और आधी कटोरी और चावल लेने हैं, और अच्छे से धोने के बाद पानी को फेंक देना है। 2-3 बार इसे अच्छे से धोना है। फिर इसमें मुझे 3 कटोरी पानी, अच्छा वाला पानी डालना है, उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें हम इसे भिगोएंगे लगभग 20 से 25 मिनट। इन चावलों को हमें 3 कटोरी पानी में भिगोना है। अब मैंने एक हांडी ले ली है, और उसमें मुझे क्या करना है, 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है उस हांडी में मुझे, और इसे तेज़ गर्म करना है। तेज़ आंच पे इसे गर्म करना है, फिर फ्लेम को मीडियम पे कर देना है, और इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है, शाही जीरा। और जीरा क्रैकल होते ही इसमें 1 तेज़पत्ता डालना है। आप देख सकते हैं क्या खुशबू आएगी तेज़ पत्ते की जब ये डलेगा। ये गर्म मसाले बहुत ज़रूरी हैं। और 2 लौंग डालनी है, 3 छोटी इलायची भी इसमें ऐड करनी है, उसके बाद 1 बड़ी इलायची ऐड करनी है। ये सारे गरम मसाले बिरयानी और पुलाव में डालने बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें अब मुझे क्या करना है, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्चें डालनी है। ये डलते ही स्पाइसीनेस तगड़ा वाला आएगा। और इसके बाद मुझे 3 स्लाइस की हुई ऑनियंस इसमें डालनी है। आप 2 या 3 जितनी आपको डालनी है ऑनियंस, उतनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ऑनियन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे 2 मिनट मुझे ऑनियंस को सॉटे करना है मीडियम फ्लेम पे। इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। 2 मिनट सॉटे करने के बाद अब इसमें 1 लंबी कटी हुई गाजर मैं डाल रहा हूँ, ऑरेंज वाली, आप रेड वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे 40 सेकेंड्स मुझे भूनना है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया है और उसकी प्यूरी बना ली है ग्राइंडर में। अब मैं इस प्यूरी को इसमें ऐड कर दूंगा। अब मैं इसे 1 मिनट तेज़ आँच पर भूनूंगा अच्छे से। अच्छे से भूनने के बाद तेल छूटने लगा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट अच्छे से भूनना है, क्योंकि अदरक और लहसुन की जो कच्चापन है वो निकलना चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, 1 शिमला मिर्च मैंने ले ली है और उसे लंबा स्लाइस करके इसमें डाल दिया है। और इस शिमला मिर्च को भी मुझे 1 मिनट भूनना है तेज़ आँच पर। ओके, सब्जी भुनते ही फ्लेम को वापस मीडियम पे कर देना, और उसके बाद इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, और इसे 1 मिनट और सॉटे करना है मीडियम फ्लेम पे। अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालना है, 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, और सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, और इसे 1 मिनट भूनना है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 2 चम्मच देसी घी डालूंगा। भाई पुलाव और बिरयानी में घी ना डले तो वो पुलाव और बिरयानी कैसे हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, इसे मिक्स कर लूँगा घी डाल के, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूँगा 1/4 चम्मच, और इसे 1 मिनट भून लूँगा। अब ये बिरयानी है तो इसमें मैं 2 चम्मच दही डालूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, और इसे 30 सेकेंड और भून लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें वो जो भीगे हुए चावल है उन्हें पानी के साथ ऐड कर देना है, और इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छे से, सारी सब्जियों को, मसालों को मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा और नमक डाल दूंगा मैं, क्योंकि नमक कम ना रह जाए। अब मैं क्या करूंगा, इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मैं 4 मिनट तेज़ आंच पे बॉईल करूंगा। याद रखना, 4 मिनट तेज़ आंच पे इन चावलों को बॉईल करना है, और उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूंगा और कवर कर दूंगा इन्हें। अब मैं इन्हें 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगा। 3 मिनट तक पकाने के बाद लो फ्लेम पे मुझे गैस को स्विच ऑफ कर देना है, और 5 मिनट इन्हें रेस्ट करने देना है, उसके बाद ही ढक्कन खोलना है। तो 5 मिनट रेस्ट करने के बाद अब मैंने ढक्कन खोल लिया है, और चावल अच्छे से पक गए हैं, पुलाव रेडी हो चुके हैं। बट अब इसमें मेन चीज़ बाकी है, धुंगार, कोयले की धुंगार। तो मेरे दोस्तों, अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कटोरी रख दी है मैंने इन चावलों के ऊपर, और कोयले का एक टुकड़ा है उसे मैंने गैस पे गर्म कर लिया है लगभग 5 मिनट तक, जब तक वो लाल हो गया एकदम गर्म होके। अब मैंने उसे कटोरी में रख के उसके ऊपर 1 चम्मच तेल डाला और इसे ढक दिया। अब ये जो धुआं अंदर निकल रहा है ना, धुआं,
ये जो चावलों में फ्लेवर देगा ना बॉस, एकदम धमाकेदार फ्लेवर होएगा ये। ये कोयला बिरयानी है या कोयला पुलाव है, इसमें जो फ्लेवर कोयले की धुंगार का आता है ना, इसे 2 मिनट ढके रखना है, सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या करना है, कटोरी हटानी है, लिड खोल के और चावलों को थोड़ा मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से, और प्लेट में सर्व कर लेना है। गर्मा गर्म हांडी पुलाव विद कोयले का तड़का। दोस्तों, आपने वेज पुलाव खाया होगा, आपने तवा पुलाव खाया होगा, तवा बिरयानी भी खाई होगी, लेकिन ये जो पुलाव है ना, ये जो हांडी बिरयानी है ना कोयले के धुंगार वाली, इसकी बात ही कुछ और है। इसमें जो फ्लेवर है ना, वो किसी और पुलाव में नहीं होता और किसी और बिरयानी में भी नहीं होता। तो इसको एक बार बना के ज़रूर देखना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं इसे खा के एकदम डांस करने लगे, एकदम तगड़ी वाली रेसिपी है ये। तो इसे बना के ज़रूर देखना, एकदम गर्मा गर्म पुलाव और ऊपर से जो कोयले का धुआं है, धुंगार है, उससे जो फ्लेवर है ना बॉस, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसे एक बार बना लेना अपने किचन में और मुझे बताना कमेंट्स में कैसी बनती है ये रेसिपी। और हाँ मेरे दोस्तों, अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैं और ऐसी तगड़ी वाली रेसिपी दिखाऊंगा आगे। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ।